नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। नौतपी के अंतिम दिन तमतमाया सूरज, जाते जाते नौतपा अब तपाने लगा है। गुरुवार को भी सुबह से सूर्यदेव की तलखी रही और तीखी धूप और गर्म हवाएं लोगों को फिर से झुलसाने पर आमदा रही हैं। नौतपे के पूरे 9 दिन तापमान 40 से अधिक रहा है, जिसके चलते लोग गर्मी से बेचैन होने लगे हैं। तमतमाया सूरज सुबह से शाम तक पसीने छुड़ा रहा था, रात में भी उसमें भारी गर्मी का एहसास होता रहा और दिन में आवाजाही करने वाले लोगों को अपने बचाव के पूरे चेहरे पर कपड़ा लपेटे रहना पड़ा। और कई लोग गर्मी से बचाव के लिए जहां शीतल पेय पदार्थों का सहारा भी ले रहे थे, कई लोग दोपहर में बाहर निकलने से परहेज कर रहे थे। नौतपे के बाद अब लोग बारिश के आगमन की राह तकने लगे। निश्चित ही ये जो नौतपा गया काफ़ी गर्मी और उमस से परिपूर्ण रहा, और मार्केट में भी यदि देखा जाए तो काम धंधे भी ठप्प हो चुके हैं। आम जनों को राहत गर्मी से नहीं मिल रही। एक दो दिन हवा चली थी जिससे थोड़ा राहत मिला था, लेकिन अभी तो बड़ी उमस है। और कहा जाता है कि यदि रोहिणी या इसमें नौतपा में पानी नहीं गिरता है तो आने वाला समय पानी से भरपूर रहता है, और आम जनों को बहुत आशा। इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी रही, 47 डिग्री के आसपास रही, 46 रही, 45 रही, लगभग कई दिनों तक ऐसे ही क्रम चलता रहा। तो आने वाले समय में लोग अच्छी बारिश की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो कब पानी आएगा, कब थोड़ी मौसम में ठंडक आएगी, इस बात का इंतज़ार हर किसी के मन में है।